नेक्स्ट आई न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज सोनाली स्पेशल में। जानते हैं आप कि जहाँ पर हम इस प्रोग्राम में आपसे अक्सर ही बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को लेकर। सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हैं, हर कोई जानता है कि न्यूयॉर्क में सोनाली बेंद्रे अपनी उस बीमारी का इलाज करवाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो वहीं हर कोई उनके लिए दुआएं भी कर रहा है, तमाम तरह की प्रार्थना भी की जा रही है कि सोनाली का कैंसर बेहद ही जल्द ठीक हो जाए और वो वापस से एक बार फिर से इंडिया लौट आए। तो ऐसे में सोनाली बेंद्रे जहां पर जिस तरह से अपनी इस बीमारी से लड़ रही हैं, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पॉजिटिविटी को देखा जा रहा है, वो यकीनन ही काबिलियत तारीफ है। तो ऐसे में आपको बता दें, कहा जा रहा था कि सोनाली बेंद्रे का इन दिनों कीमोथेरेपी प्रोसेस चल रहा है, मगर आप जानेंगे कि किस तरह से कीमोथेरेपी प्रोसेस तो सोनाली का हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें साझा की हैं उन्होंने खुद ने, जहां पर उनकी हेयर ड्रेसर उनके नकली बाल उन पे लगा रही हैं। हर कोई जानता है कि सोनाली के काफ़ी लंबे हेयर थे, मगर कीमो के बाद उनके बाल छोटे होते गए और आप इन तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से उनके चेहरे पर भी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को साफ साफ देखा जा रहा है। क्या कुछ खास है सोनाली से रिलेटेड, आप देखिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी का इलाज करवा रही हैं, तो वही हर कोई जानता है कि सोनाली इन दिनों यहाँ पर अपने कैंसर जैसी बीमारी से इस कदर लड़ती दिखाई दे रही है कि हर कोई उनके लिए दुआएं भी कर रहा है। हाल ही में न्यूयॉर्क से सोनाली की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सोनाली अपने नकली बालों को लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सोनाली की हेयर ड्रेसर को भी देखा जा रहा है जहां पर वो सोनाली के सर पे बालों को सेट कर रही है। मगर इसी बीच अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोनाली के चेहरे पर काफी ज्यादा चेंजेस देखे जा रहे हैं। जी हाँ, उनके चेहरे को अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोनाली के चेहरे पर दाग पड़ गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं जो इस तस्वीरों में सोनाली के थ्रू देखने को मिल रहे हैं। मतलब हर कोई दुआ कर रहा है कि सोनाली बेहद ही जल्द ठीक होके इंडिया वापस लौट आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले काफी वक्त से एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे अपने कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क में करवा रही हैं। उनके कैंसर का लास्ट यानी कि फोर्थ स्टेज चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोनाली बेंद्रे धीरे धीरे कैंसर को हराती हुई नजर आई हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन तस्वीरों को देखने के बाद सोनाली बेंद्रे के फैंस खुशी से फूले नहीं समाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सोनाली बेंद्रे ने तस्वीरें शेयर की हो, वो अक्सर ही न्यूयॉर्क से कई बार तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कैंसर के चलते सोनाली बेंद्रे को बाल्ड यानी कि गंजा होना पड़ा था और बाल होने के बाद सोनाली के फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उनके लिए दुआ मांगते हुए नजर आए थे। लेकिन अब सोनाली के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अब सोनाली के बाल वापस आ गए हैं। अरे अरे, दरअसल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदलवा लिया है। इस स्टाइल में भी वो पहले की तरह खूबसूरत दिख रही हैं। उन्होंने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की और फोटो शेयर करते वक्त सोनाली ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी मुश्किल वक्त में भी आपको शानदार लोग मिल जाते हैं, वो अजनबी बनकर मिलते हैं और आपके दोस्त बन जाते हैं। सोनाली ने अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को धन्यवाद किया है और सोनाली इन तस्वीरों में बेहद ही खूबसूरत नजर आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे जिस तरह से, जिस पॉजिटिविटी के साथ अपनी इस जंग से लड़ रही हैं, वो वाकई ही हैरान कर देने वाला है। हर कोई जानता है कि सोनाली बेंद्रे ने अपने फैन से हर एक अपनी चीज को साझा किया था।
हर किसी को पता है कि सोनाली बेंद्रे ने खुद अपनी कैंसर जैसी बीमारी की जानकारी फैन से साझा की और उसके बाद जिस तरह से सोनाली में चेंजेस आए उस तरह से सोनाली ने फैंस के साथ इन तमाम चेंजेस को भी शेयर किया। वहीं हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से सोनाली की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सोनाली बेंद्रे अपने बालों को यहां पर याद करती दिखाई दी। ये कहना भी गलत नहीं है कि सोनाली बेंद्रे काफी खूबसूरत रह चुकी हैं। सोनाली बेंद्रे के काफी लंबे और खूबसूरत बाल थे, तो वहीं यहाँ पर सोनाली बेंद्रे अपने बालों पर विग लगाती हुई दिखाई दी। हर कोई दुआ कर रहा है और हर कोई यही चाहता है कि सोनाली बेंद्रे बेहद ही जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो जितनी पॉजिटिविटी के साथ अपनी इस बीमारी से लड़ रही है वो वाकई ही हैरान कर देने वाला है। तमाम तरह के बॉलीवुड सितारे भी सोनाली बेंद्रे से मुलाकात कर चुके हैं, जहां पर अनुपम खेर जो न्यूयॉर्क में है सोनाली से जिन्होंने मुलाकात की और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी सोनाली बेंद्रे से मुलाकात कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे को लेकर फैंस और साथ ही साथ उनके फ्रेंड्स भी उनसे कनेक्टिविटी को बनाए हुए है। मगर ये कहना गलत नहीं है कि सोनाली बेंद्रे भी फैंस के साथ अपनी कनेक्टिविटी को हर टाइम बनाए रखती है। देखा जा रहा है कि भले ही वो इंडिया में नहीं है मगर दूर होकर भी वो अपने फैंस के सबसे ज्यादा करीब है। जिस तरह से वो तस्वीरों को साझा करती है, जिस तरह से वो अपने दुख और दर्द को बताती है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे काफी ज्यादा ही उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया है। हम यही दुआ करेंगे और दरख्वास्त भी कि आप इसी तरह सोनाली के लिए अपने प्यार को उनके लिए भेजते रहें। सो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा सोनाली स्पेशल, जहां हमने बात की सोनाली बेंद्रे को लेकर। जिन तस्वीरों की बात हम यहां कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन आपका भी दिल थम सा गया होगा। इन तस्वीरों में सोनाली का दर्द साफ उनका चेहरा बयां कर रहा है। अक्सर कहते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है मगर इंसान की आंखें और उसका चेहरा उसकी खुशी और दुख को साफ झलकाता है। तो ऐसे ही यहां पर भी देखा जा रहा है कि सोनाली बेंद्रे के चेहरे पर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर जितनी पॉजिटिविटी उनमें देखी जा रही है वो काबिलियत तारीफ है, मगर इसी बीच वो अपने बालों को मिस कर रही हैं। जिस तरह से वो अक्सर उनके लंबे बाल थे, जितनी खूबसूरत वो दिखाई देती थी, हालांकि उतनी ही खूबसूरत वो अभी भी दिखाई दे रही हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने विग का भी वो यहाँ पर सहारा लेती दिखाई दी। आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे का कीमोथेरेपी प्रोसेस शुरू हो चुका है, जो हमने आपको पहले ही बताया था। अब कहा जा रहा है कि उनका कीमोथेरेपी प्रोसेस शायद फोर्थ स्टेज पे आ चुका है, जहां पर अभी दो और स्टेजेस बाकी हैं। तो दुआ है और आप सभी से दरख्वास्त भी कि आप लगातार इसी तरह, जिस तरह से आप सोनाली के लिए प्यार भेज रहे हैं, जिस तरह से आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तो इसी तरह आप प्यार और दुआएं लगातार ही सोनाली बेंद्रे के लिए भेजते रहें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।